जम्मू के कठुआ में पिछले साल 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। पंजाब के पठानकोट की एक विशेष अदालत ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मास्टरमाइंड सांझी राम के बेटे विशाल को अदालत ने दोषी नहीं माना है। कठुआ कांड में जिन 6 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उनमें मास्टरमाइंड सांझीराम, पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता, तिलक राज, सुरिंदर और प्रवेश शामिल हैं। पठानकोट की अदालत ने माना है कि इन मुजरिमों ने पिछले साल जनवरी में 8 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस केस की जाँच कर रही एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि मुस्लिम बकरवाल समुदाय की बच्ची को पिछले साल 10 जनवरी को अगवा किया गया था। उसे कई दिनों तक नशीली दवाएं देकर बेहोश रखा गया था और उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था। बच्ची का शव एक हफ्ते के बाद नजदीक के एक जंगल में मिला था। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में आया था क्योंकि बीजेपी समर्थित हिंदूवादी संगठन हिंदू एकता मंच ने इसके आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए रैलियां निकाली थी। मंच की एक रैली को बीजेपी के 2 मंत्रियों लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने भी संबोधित किया था। बाद में दोनों मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जांच एजेंसी जब चार्जशीट दायर करने पहुंची तो उन्हें चार्जशीट दायर करने से रोका गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को पंजाब की पठानकोट अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।